guys, welcome back to the channel and to the new video. Hope you all are doing great. So actually मैं ये video क्यों start कर रही हूँ कि मैं अभी घर पे स्टी के साथ अकेली हूँ. मेरे husband अभी US गए हुए हैं फिर से एक महीने के लिए काम से. तो मतलब एकदम से मुझे मन किया कि चलो मैं record करती हूँ कि अकेले स्टी के साथ रहना सिंगापुर में कैसा experience रहता है. And मेरे लिए भी ये बाद में जाके मेमोरी बन जाएगी. एंड जो भी है मैंने सोचा कि बोर हो रही थी तो सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ वीडियो. एक व्लॉग बनाऊंगी इस पर. तो अभी सुबह जो है हमने उठ के ब्रेकफास्ट कर लिया है. मैंने चीला बनाया था आज, वेजिटेबल चीला. तो अभी श्री खेल रही है और मैं अभी लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ. रुको मैं आपको श्री को दिखाती हूँ. श्री अभी खेल रही है क्ले के साथ. श्री व्हाट आर यू डूइंग? यू आर प्लेइंग विद क्ले. Where is itching? कहाँ itching कर रहा था तुमको अभी थोड़ी देर पहले? बोल रही मम्मा itching इसके पैर में, यहाँ itching कर रहा था. ये पूरा मैस करके रख दी टेबल में, बाद में मैं क्लीन करती हूँ. यहाँ पे यहाँ टीवी चल रहा है, इसको गणेश वाला गाना सुनना था, देवा श्री गणेशा, तो वही चल रहा है अभी. चलो किचन में ले चलती हूँ. मैं किचन में क्या बना रही हूँ दिखाती हूँ. मसूर की दाल मैंने अभी चढ़ाई है. आई एम सॉरी यहाँ थोड़ा मैस हो रखा है. ये जेगरी है, उसको मिल्क दिया था. मिल्क में थोड़ा जेगरी पाउडर ऐड करके मैं उसको देती हूँ. तो आज मैं मसूर की दाल बना रही हूँ और आज प्लान है बीन्स आलू टमाटो की सब्जी बनाऊंगी आज. और जब राइस बनाऊंगी तो उसमें एग्स डाल दूंगी, बॉयल्ड एग्स. सौरभ तो स्ट्रिक्टली वो तो पहले से ही बोल रहा है खाने में बिल्कुल भी वो मत करो, एवरी डे कुछ ना कुछ प्रोटीन में लो. तो इसी चक्कर में सो दाल देन वेजिटेबल्स में, ये हमारा ग्रीन वेजिटेबल में आज बीन्स हो जाएगा और प्रोटीन में एग. सिंपल ही है, मेरे और श्री के लिए तो मोर देन एनफ है. तो हमारा डिनर भी यही हो जाता है एक बार में. मैं बना के रखती हूँ, रात को भी हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही खाते हैं. शाम को थोड़ा कुछ बना लेती हूँ हल्का फुल्का अगर भूख लगता है तो. और ये देखो महारानी, मैं किचन में हूँ तो किचन में आ गई खेलने टोमेटो लेके. है यहाँ से क्ले, यही मैं एक्चुअली जहाँ पे भी रहती हूँ वो वही आ जाती है खेलने. अगर मैं किचन में काम करूँ तो किचन में आके खेलेगी, अगर मैं हॉल में हूँ तो हॉल में जाके खेलेगी. एक्चुअली अकेले है ना अभी घर पे, तो इसको लगता है कि हाँ मम्मी साथ में ही रहे, इसी चक्कर में शायद. एनीवेज मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. आई एम सॉरी मेरे फेस की हालत भी बहुत ख़राब है. घर पर मैं ऐसे ही रहती हूँ, बाहर थोड़ा घूमने जाती हूँ तो अच्छे से रेडी होकर जाती हूँ. घर पर बस एकदम सिंपल, बाल भी मेरे अजीब से हो रखे हैं. हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, आज हमारा, रुको मैं बाहर जाती हूँ. यहाँ पे खेल रही और गाना सुन रही है ना. तो आज मैंने सोचा है कुछ कुछ चीज़ें ना घर में ख़त्म हो गई, लाइक रागी आटा नहीं है, मुझे वो लेना है. मैंने एक्चुअली मैं थोड़ा वेट लूज़ करना चाह रही हूँ. यहाँ पे मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है फिर से, जब से मैं दिल्ली पुणे से वापस आई हूँ. फिर यहाँ आके भी घूमे फिरे खाए पिए तो मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है. तो उसको थोड़ा लेवल पे लाने के लिए अभी मैंने सोचा रात को मैं रोटी खाऊंगी. तो रोटी में ग्लूटेन, मेरे को पहले गैस्ट्राइटिस था एक्चुअली, इवन अभी भी कभी कभी फ्लेयर अप होता है गैस्ट्राइटिस. तो मुझे ग्लूटेन, मुझे मतलब ब्रेड की चीज़ें मैं लिमिटेड खाती हूँ, ऐसा नहीं है, पर रेगुलर नहीं खा सकती हूँ, नहीं तो मुझे फ्लेयर अप हो जाता है. तो इसकी वजह से मैं रागी रोटी वो ही खाती हूँ बेसिकली, अगर रेगुलर बेस पे हो तो. मैं सोच रही हूँ रात को रोटी खाना स्टार्ट करूँगी तो रागी रोटी स्टार्ट करती हूँ. तो रागी का आटा ख़त्म हो गया है, रागी रोटी लानी है. आई एम सॉरी रागी रोटी लानी है, रागी का आटा लाना है और क्या लाना है. श्रीनिका को चिकन खाने का मन कर रहा है. कल हम लोग खाना खा रहे थे, कल मैंने फ्राइड राइस बनाया था और मंचूरियन बनाया था तो वो देख के. और हाँ साइड में मैंने किमची रखा था, हम लोग किमची भी खाते हैं यहाँ, बहुत टेस्टी लगता है मुझे किमची खाना. मैंने यहीं आके ट्राई किया एक्चुअली. आई डोंट नो, पहले भी कुछ कोरियन फूड मैंने खाया था, बिम्बिम्बैप बोलते हैं उसको, उसमें शायद दिया था कि नहीं मुझे याद नहीं है, पर मैंने यहाँ आके नोटिस किया है कि हाँ खाने में बहुत टेस्टी होता है. सो एनीवेज वो किमची को देखी बोल रही मम्मी चिकन, मम्मी चिकन. और आज सुबह भी वीडियो कॉल में पापा को बोल रही है पापा चिकन क्ले का चिकन बना के, क्ले का जो इसका डो है बना के बोल रही चिकन. तो मुझे लगा शायद इसे चिकन खाने का मन कर रहा है तो मुझे चिकन लाना है. एंड फिश भी ले आऊँगी मैं.
हाँ चिकन फिश और बनाना लाना है, एप्पल्स लाने हैं, मतलब ऐसे टुक-टुक चीजें हैं। मैं आपको दिखाऊंगी जब लाऊंगी, तो ये सब चीजें अभी लानी है। तो शाम को सोचती हूँ जाऊंगी, बट शाम को इसका खेलने का टाइम हो जाता है, तो इसी चक्कर में आप सोच रहे हैं कि लंच करके ही हम लोग बाहर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दूर है, वॉक करके जाना पड़ता है इंडियन स्टोर। एंड इंडियन स्टोर के पास ही एक और स्टोर है शिंग शोंग, जो कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस में चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, और बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत बड़ा सुपर मार्केट है वो। तो वहाँ से ये दो जगह जाके मैं टुक टक चीज़ें ले आऊँगी श्री के साथ जाके। उसी में ही पता है कब डेढ़ दो घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। सो हाँ हनुमान हाय कर दो, जी बाबा हनुमान कार्टून देख रही है, हाय हनुमान बोल रही है। तो अब मैं पहले खाना बना लेती हूँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। देखिए अपने आप खेल रही है। अभी ऐसे ऐसे खेलती रहती है ये, काम एटलीस्ट मुझे काम करने में इजी हो जाता है जब भी खेलती है ऐसे। सो गाइस हमने नहा लिया है एंड मैंने पूजा भी कर लिया है, फाइनली लंच भी रेडी। तो अभी बज रहे हैं 1:35, पूजा भी कर लिया है, श्री भी पूजा के टाइम पे आ जाती है हमारे साथ। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने लंच में क्या क्या बनाया। ये है दाल, मसूर की दाल। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा वेसल, एक्चुअली इतना बड़ा इसीलिए है क्योंकि यहाँ कढ़ाई काम नहीं करता, इंडक्शन में कुकिंग करना पड़ता है, और ज़्यादा बर्तन हमें करना नहीं था, यहाँ पे ऑलरेडी बर्तन है, हम लोग इंडिया से लाए हैं, उसके अलावा सिर्फ जितना ज़रूरत है उतना ही बर्तन हमने ख़रीदा, तो इसलिए इसमें बना है। ये है राइस, मैंने राइस इसमें इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ हांडी में इंडक्शन में जो हमारा हांडी है वो बैठता नहीं है, एंड कुकर सौरभ लेके गया हुआ है, इसलिए मैंने इसमें बनाया है। ये माड़ हटा के राइस है, तो ये काम कर गया, तो इसी में से ही राइस बना के खा रहे हैं। और नेक्स्ट मैंने बनाया है ये रहा पीस आलू, इसका सूखा सूखा कर दीजिए। पापा गिफ्ट भी किया ना, बस खाना खा के उठी और क्लाउड्स हो गए, मतलब लग रहा है हम बस निकलेंगे और बारिश हो जाएगी, तो सोच रहे थोड़ा वेट कर लेते, अभी तो 2:30 कुछ बज रहे हैं, देखते एक घंटा सोच रहे वेट कर लेती हूँ, बारिश अगर तब तक हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो अम्ब्रेला लेके निकल जाऊँगी, देखते हैं। ये क्ले को गुला गुला बोलती है, ये लो तुम्हारा गुला गुला। थैंक यू ना, थैंक यू था नहीं बोल पाती है, हाँ बोलती है। चेंज करना है कार्टून, यू वांट अ डांस। ओके पुलिता पुलिता यस वी आर की करते हो बेटा, गुला गुला है ना, धरो बॉबी मम्मी पुलिता गुला खुले दिच्छी गुला गुला, खुले दाओ गुला गुला ना खुली दाओ। पुसी कैट, I found your pussy cat. Yeah, it is pussy cat. I found your pussy cat. Hi pussy cat. Hi pussy cat. Where is she? She's playing. No. घंटा वेट किया और बारिश नहीं हुई, सो हम लोग अब जा रहे हैं इंडियन स्टोर एंड शिंग शोंग फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग। एंड श्रीनिका इतना एक्साइटेड है, बाहर जा रही है ना इतने दिनों बाद, उसको बोला बेड़ू बेड़ू जाती, तो
खुश हो गई एकदम, देखो रेडी भी हुई है एकदम अपने चॉइस का ड्रेस पहन के। Hey Sri, Agent, look here. You have to wear shoes. Wow. It's closed, nahi, it's open. Okay, we will go leave it. Chalo shoes pehno, chalo, chalo come on. Yeah. Oh, let's go. So excited. Yay. तो यहाँ पे प्लास्टिक बैन है, इस बैन तो नहीं अभी मिलता नहीं है, पैसा भी होता है, कोशिश कर रहे हैं प्लास्टिक को बंद करने का, तो अपना कैरी बैग ले जाने को प्रेफर करते हैं, तो इसलिए मैंने ये दो ले लिया है ग्रॉसरी के लिए। कितना खुश है एलिवेटर, लेट्स गो। तुमने तो बाल खोल दिए मॉम अपने एक साइड से। Yes, we are inside the elevator. Come on. Let's go. Asha, Asha, Asha. Yay, go. Move, 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 move. Enjoy कर रही है श्रीनिका बाहर आके इतने दिनों बाद। हमें लेना है पोहा, पोहा और कहाँ मिलेगा मानू, पोहा को था है? इंडियन स्टोर से ग्रोसरी लेना हो गया, अब जा रहे हैं शिनचोंग, वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ और लेना है। तो चलो बटर मिल्क खा रही है और वॉक करके शिनचोंग जा रही है। बटर मिल्क सिर्फ इंडियन स्टोर में ही मिलता है यहाँ, तो इसलिए बहुत सारा ले लिया वहाँ से श्री को पिलाने के लिए। चलो लेट्स गो। सामने वाइट बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे शिनचोंग है, बस पहुँच गए और श्री को चला नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, गोदी ले रही है, चला लिया फाइनली, चल नहीं पा रही है। चलो हेड ले लिया है, अभी श्री का बिस्किट लेना है। श्री का बिस्किट खत्म हो गया है, ले लेते हैं यहाँ से। मेरा को फिश दिख गया है, वैसे मुझे फिश चिकन लेना है स्त्री के लिए, तो लेट्स गो। आशा माँ फिश एक अंत के नहीं, स्त्री फिश देखने में बिजी हो गई है, क्या फिश ले श्रीनिका। सैल्मन लेना था, ये सैल्मन है, सैल्मन ले लेती हूँ। ए मामा इज हियर श्रीनिका, कम ऑन। सालमन फिश नहीं है नी श्रीनिका, 19.8 सब में तो 19.8 सबका 19.8 ही है डेट, ये वाला ही ले लेती हूँ जो पहले लिया था। ठीक है, स्किन है इस तरफ, आई थिंक लेग पीस तो है, लेग पीस नहीं है नी मॉम, कम ऑन कम हियर। लास्ट टाइम ये वाला लेके गए थे, ये ले लेती हूँ। एक टॉय लेना है, कम ऑन वी गॉना सी टॉय। लास्ट टाइम बेचारी वो बोली थी बट हमने लिया नहीं था, इधर से जाती हूँ। लेट्स गो फ्रॉम दिस वे, दिस वे, दिस वे, गो मूव। कर्ड भी लेना है, चलो योगर्ट श्रीनिका ब्लूबेरी वाला ले लेती हूँ। क्या 3 for 7.50 ले लेती हूँ, क्या समझ नहीं आ रहा है। 1 पीस हाँ आई थिंक ले लेती हूँ, खाती है ना योगर्ट। 3 पीस नहीं है नी, वेजिटेबल और स्केच एटा नहीं बे, एनिमल्स आ चाहिए एटा नहीं बे, एको मम्मी अच्छा ठीक है एटा नहीं बे ना श्री, दिस मम्मी वेजिटेबल्स
अच्छी है जो है जी, ये जो वेजिटेबल्स ले लेते हैं। दो काट रखे दो एक ने रखो। वाटरमेलन ले रहा था कुछ दिन पहले, वाटरमेलन कर रही थी। ये वाला साइज छोटू है, ये वाला साइज ले लेते हैं मैम। ये ले लेती हूँ, ड्रैगन फ्रूट भी ले लेती हूँ। ड्रैगन फ्रूट ले वो ड्रैगन फ्रूट। Give one dragon fruit. रखे दो बास्केट रखो। हाँ चलो तो एप्पल्स ले लेते हैं। श्रीनी का मुझे हेल्प कर रही है। तीन वन सम मोर। एक कीवी भी ले लेते हैं। ये ठीक है आई थिंक। फाइनली यहाँ की भी शॉपिंग हो गई। नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम। हाँ चलो, आज श्रीनी का बहुत खुश है। शी गॉट हर वेजिटेबल टॉयज। कम ऑन घर जाके वी हैव टू प्ले। लोग शॉपिंग करके आ गए हैं और श्री मतलब जस्ट घर पहुँचने में मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता बचा था तभी वो सो गई। और इतनी मुश्किल से लाई मैं उसे गोदी में, फिर स्ट्रॉलर बहुत मुश्किल से लाई। बट एनीवेज जैसे अपने बिल्डिंग के पास पहुंची तो काफ़ी लोग थे हेल्प करने को। हेल्प इन द सेंस डोर ओपन करके देना या फिर थोड़ा जगह दे देना लिफ्ट के, वहाँ पहले से ही मुझे हाँ जगह दे दे रहे हैं, तो ऐसा छोटा मोटा चीज़। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ पर कि हाँ काफ़ी हेल्पिंग लोग हैं। सो बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एक्चुअली जो इंडियन स्टोर है वो भी काफ़ी दूर है, फिर इंडियन स्टोर से जो बड़ा वाला शिंग शोंग है जहाँ गई वो भी काफ़ी दूर वॉकिंग डिस्टेंस है। एक्चुअली मैंने सोचा कि कवर कर लेती हूँ दोनों ही, फिर वॉक भी करना हो जाएगा मेरा। तो इसी चक्कर में गई। और श्री को जो मुझे टॉय दिलाना था वो टॉय आज था ही नहीं, कोई और ख़रीद के ले गया होगा डेफिनेटली। वो बस एक ही था क्योंकि मैं लास्ट दो बार गई थी तो तब सौरभ था ही सेट। अभी नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। तो मैंने फिर सौरभ से वीडियो कॉल में कहा मैं आज उस शिंग शोंग जाऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ वो टॉय अगर रहा तो मैं श्री को आज वो ख़रीद के दूँगी। और मैं आज गई तो वो नहीं था। तो एनीवेज श्री को जो पसंद आया वेजिटेबल्स वो ही खरीद के दिया मैंने उसे, और वो बहुत खुश भी है। अभी तो सोई हुई है एकदम गहरी नींद में, जब उठेगी तब खेलेगी देखना कितना। सो मैं भी अब रेस्ट करती हूँ, आपको बाद में मिलती हूँ। ये रहा नींद से उठ के श्रीनिका अपने टॉयज के साथ खेल रही है। वाह सो मेनी फ्रूट्स, कितनी अच्छी अच्छी फ्रूट्स है, कट कर रही है सबको बैठ के। वाह सीड फैला दियो, गुड गर्ल है, सीड फैला दो तब पर खाओ, गुड गर्ल। हाँ, you are eating papaya on the table. So nice. मेरा पप्पी, मेरा बच्ची, it's tasty. Srinika, is it tasty? Say yes, mama. It's so tasty. Very nice, my baby. हाय गाइस, सो आज दूसरा कोई दिन है, एक्चुअली आज है संडे। तो श्रीनी का भी बोर हो रही थी और वो बार बार बोल रही है लेट्स गो टू बीच, और मैं भी बोर हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा अकेले अकेले घर पे। तो इसलिए हमने सोचा चलो बीच चलते हैं, सेंटोसा बीच जा रहे हैं आज मैं और श्रीनी का। सो अभी बज रहे हैं 1:40 और मैं श्रीनी का बीच जाएंगे, शी इज सो हैप्पी। सो चलो फिर चलते हैं,
वहाँ थोड़ा अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, बैठेंगे, चिल मारेंगे। सो लेट्स गो। अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं। श्री अभी ऑरेंज जूस चाहिए तो अभी ऑरेंज जूस निकल रहा है। यमी यमी ऑरेंज जूस हम लोग जब भी यहाँ आते हैं हार्बर फ्रंट ये ज़रूर लेते हैं। तो श्री को याद था तो इसलिए ले रहे हैं। इतनी देर से श्री वॉक नहीं कर रही थी, अब जूस मिल गया, मस्त वॉक वॉक करके जूस पी पी के जा रही है। हाँ आज कितनी लंबी लाइन है, आज कितनी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है माँ, लाइन बहुत ज्यादा है। आज संडे है ना, आज मोनो रेल के लिए बहुत भीड़ है, बीच में भी काफी भीड़ मिलेगा लग रहा है। श्रीनिका इज सो हैप्पी टुडे, कितने दिनों बीच बाद बीच जा रही है। ही ट्रैम आ गई, उस ट्रैम में करके हम लोग अभी जाएंगे बीच में। लेट्स गो मम्मी। हां मम्मी और बीच। हां वी आर गोइंग बीच, लेट्स गो टू द बीच। किम ने बोला, इधर से बोल रही थी, गो टू बीच। हां लेट्स गो टू बीच, फाइनली बोला इसने। फाइनली हम बीच आ गए हैं, पलवन बीच आए हैं। इस बार जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे, अब मैं यहाँ सेकेंड टाइम आई हूँ तो अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा तेंजोंग बीच जाके क्या करूँगी, सौरभ भी नहीं है एंड बेबी को लेके आई हूँ तो आई थिंक यही बेटर है, इसलिए मैं इसी बीच में आई हूँ। एंड श्री आते साथ ही इतना खुश खेला शुरू। ये रही श्री, हाय कर दो मॉम, से हाय, से हाय। हाँ डायनासोर्स अच्छे, ये एक्चुअली यहाँ पे डायनासोर्स है ना, ये जो मैट है इससे बड़ी डायनासोर। कितना ज़्यादा खुश है बेचारी, इतने दिन से थोड़ा पापा नहीं है ना घर पे तो थोड़ा सैड सैड फील कर रही थी, अब थोड़ा हैप्पी मूड में है, एकदम खुश हो गई है। सो हम भी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। तो मैं घर से ये कट फ्रूट लाई हूँ, ड्रैगन फ्रूट लाई हूँ और सैंडविच बना के लाई हूँ, तो यही खाएंगे अभी यहाँ पे श्री और मैं। अभी यहाँ बीच में ये इंजॉय करते हैं सैंडविच एंड फ्रूट्स। इसको देख लो कितना ज़्यादा बिजी है खेलने में। बहुत खुश। अभी ड्रैगन फ्रूट खा रही है और एंट देख के डर रही है। सो मैं ये दो बुक्स लाई हूँ यहाँ पढ़ने के लिए जब तक श्री खेलेगी। तो ये वाली बुक मैंने स्टार्ट की थी, कुछ पेजेस पढ़े हैं मैंने, बट अभी मन कर रहा है मैं ये बुक पढ़ूँ, तो ये बुक मैंने स्टार्ट नहीं की है। मैं सोच रही हूँ आज ये पढ़ती हूँ, इसको बाद में कंटिन्यू करूँगी। यहाँ श्री खेल रही है एंड यहाँ बीच सामने, इट्स अ नाइस बीच डे, सनी बीच डे। हाँ चलो आ जाओ। वाह श्री को पानी में जाना था तो पानी में आई है अभी, चलो हम थोड़ा फन करते हैं। वाह बस रुन गुना आई, चली गई मस्त ड्रेस चेंज करके भग गई, पानी में जाना है इसको।
तो डर नहीं है, कहाँ चली गई है एकदम। श्रेणिका किधर किधर जा रही है? Let's go! Toys को तो, where are your toys? इसको घूमना है पूरा बीच। हाँ वो देखे चलो। Hello, cooking कर चुके तुम? Wow, nice. What are you cooking, Srinika? वो देखो कार बेलून नहीं चल रही। Whose balloon is this? What happened? श्रीनी का बलून मिला था, इतना मुश्किल से उसे इतना खुश हो गई थी, खेल रही थी और वो बलून फट गया। फट क्या हुआ मॉम? बलून व्हाट हैपेंड? बलून फट गया, वही बोल रही है। इतना एंजॉय कर रही है श्रिया। मैंने इसे पूछा घर चले? नहीं मम्मी, अभी और एक घंटा रुकेंगे फिर वापस घर चले जाएंगे हम लोग। कितना जोर से था ये भी। दिस इज फ्रॉम द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग। सो एक्चुअली कल इतना थक गई थी तो मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था, एंड देन घर पे आके काम वाम किया, देन डिनर, देन हम लोग सो गए थे। तो हाँ, हम लोग कल वापस आ गए थे कुछ 7-7:30 बजे घर वापस आ गए थे। श्री भी थक गई थी खेल खेल के, उसने मन भर के खेला और मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, थोड़ा फ्रेश फील हुआ एंड आई फील आई एम हैप्पी नाउ। बीच में थोड़ा सैड फेस जा रहा था, बट हाँ बोलते हैं ना कि इफ़ यू आर अलोन एक्सपेरिमेंट फ्यू थिंग्स, पुश योर सेल्फ टू डू थिंग्स जो तुम्हारा मन बोले। तो मैंने खुद को पुश किया नहीं कि हाँ चलो अकेले घूमने निकलते हैं बाहर। घूमने तो मैं हमेशा सबके साथ गई हूँ इधर उधर, बट अकेले अकेले भी नहीं बोलूँगी, बेबी है मेरे साथ, बट फिर भी इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट, वो छोटी है अभी। तो ऐसे अकेले घूमने बाहर निकलने वाला एक्सपीरियंस वाज नाइस एंड गुड, आई लाइक्ड इट। एंड अब होपफुली मैं नेक्स्ट कुछ वीकेंड जो बचे हैं सॉल्व के आने से पहले, तो मैं फिर से कुछ एक दो बार बाहर जाऊंगी श्री को लेके घुमाने, उसके लिए भी अच्छा है एंड मेरा भी मतलब थोड़ा सॉर्टेड रहेगा कि हाँ मन में थोड़ा सैड फीलिंग थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो सुबह उठ के आई एम फीलिंग अ बिट हैप्पी, बिट हैप्पी नहीं बोलूँगी, आई एम फीलिंग फ्रेश एंड हैप्पी। तो इट्स गुड, अगर कोई भी अकेला रहता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप घूमने जाइए, कहीं भी जाओ, ज़रूरी नहीं है घूमने के लिए आपको पैसा खर्चा करना है, ऐसे ही आप हेल्प यू नहीं हेल्प मी से हेल्प मी मम्मा हाँ यू बी केयरफुल। सो आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय, टेक केयर।